नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचा सुतार में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ छाछ की कड़ी कैसे बनाई जाती है, छाछ और बेसन से कड़ी कैसे बनाई जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कड़ी कैसे बनाया जाता है, जो बहुत ही टेस्टी लगती है, मसाले वाली कड़ी। तो चलिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है, ये देखिए छाछ लिया है मैंने। अब इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कड़ी पत्ता, दो हरी मिर्च, चार लहसुन की कली। तो चलिए अब इसका पेस्ट बना लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए इसका पेस्ट हमने बना लिया है, इसे हम थोड़ा पानी डाल के धो लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच बेसन, घोल लेंगे इसे हम। ये देखिए इसका पेस्ट ये तैयार हो गया है। हल्की सी हल्दी डालेंगे, मिला लेंगे। ये घोल हमारा तैयार है। अब हम चलते हैं कड़ी बनाएंगे। तो कड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में छाछ लिया है। बर्तन हमें बड़ा लेना है ताकि हमारी कड़ी बाहर नहीं निकल जाए, नहीं तो छोटे बर्तन में कड़ी बाहर निकल जाती है। तो अब जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो इसमें मिलाएंगे हम। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इंडक्शन को मैंने धीमा रखा हुआ है, हमें गैस पे बनाते हो तो भी धीमा, ताकि हमारी कड़ी का स्वाद और भी टेस्टी लगे, अच्छा आए। अब इसे हम हिला लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना है। इसे हमें हिलाते रहना है। छाछ थोड़ी खट्टी है तो हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे। अब इसे हिला लेना है हमें। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये कड़ी पत्ते, थोड़े कड़ी पत्ते हमने मसाले में मिलाए थे, थोड़े इसके अंदर डालने हैं हमें। अब इसे हिलाते लेना है। Thank you.
तो देखिए तैयार है हमारी गर्मा गर्म कढ़ी। अब ये पक चुकी है, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, अच्छे से पक गई है ये। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है राई, मेथी के दाने, मेथी दाने, जीरा, सौंफ और हींग। इन सभी से हम कढ़ी में तड़का लगाएंगे। तो देखिए कढ़ी में हम तड़का लगा चुके हैं। ये देखिए हमारी कढ़ी कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। तो दोस्तों तैयार है हमारी गर्मा गर्म कढ़ी। आप इसे मक्के की रोटी के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाना। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।